ज्ञान की पाठशाला में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान की पाठशाला में सीखेंगे एमएस पेंट के बारे में दोस्तों। तो एमएस पेंट एक सिंपल रास्टर ग्राफिक्स एडिटर है दोस्तों, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था दोस्तों। एमएस पेंट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पेंट। चलिए आज जान लेते हैं कि एमएस पेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए तीन मेथड है दोस्तों विंडोज 10 में। आप और भी मेथड क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली हम लोग तीन मेथड का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो सिंपली फर्स्ट मेथड होता है आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, फिर आप ऑल एप्स में जाएं, फिर आप डब्ल्यू सेक्शन में जाके विंडोज एसेसरीज को पे क्या एरो पे आप डाउन एरो की पे आप क्लिक करें, फिर आपको यहाँ पर पेंट दिखेगा दोस्तों, इस पर क्लिक कर दें तो आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। दूसरा मेथड है दोस्तों कि आप विंडोज की प्लस आर दाबे दोस्तों, फिर इस सेक्शन पे आपको एमएस पेंट लिखना है दोस्तों। ध्यान रहे एमएस पेंट लिखते समय कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एमएस पेंट लिखना है दोस्तों, फिर यहाँ कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, फिर इंटर या ओके बटन पे क्लिक करें दोस्तों तो आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा दोस्तों। चलिए तीसरा मेथड जान लेते हैं दोस्तों। तीसरा मेथड है कि डेस्कटॉप पे आपको शॉर्टकट मिलेगा दोस्तों एमएस पेंट का, इस पे आप डबल क्लिक करें या एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। जनरली डेस्कटॉप में ये शॉर्टकट नहीं मिलता है दोस्तों। चलिए जान लेते हैं शॉर्टकट को कैसे क्रिएट किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, फिर ऑल एप्स में जाएंगे, फिर हम लोग डब्ल्यू सेक्शन में जाएंगे, फिर विंडोज एसेसरीज, फिर पेंट पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर हम लोग मोर में जाएंगे, फिर ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ हम लोग को एमएस पेंट मिलेगा, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर हम लोग सेंड टू में जाएंगे दोस्तों, फिर हम लोग डेस्कटॉप में जाएंगे तो क्रिएट शॉर्टकट। ओके दोस्तों, तो इतना करने पे हम लोग का डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट की बन जाएगा, शॉर्टकट आइकन बन जाएगा पेंट का दोस्तों। फिर यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग का एमएस पेंट खुल जाएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एमएस पेंट के किस सेक्शन को क्या बोलते हैं। ये जो व्हाइट पेज का सेक्शन दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क शीट दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट या वर्क प्लेस दोस्तों। और ये जो हम लोग को ऊपर में ये जो पट्टी दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पूरा पट्टी को ये टूल रिबन, टूल्स रिबन। ओके दोस्तों, और ऊपर जो आपको ये दिख रहा है दोस्तों जहाँ पे अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है और प्लस मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन एंड क्लोज बटन दिखा रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो सबसे पहला ये टूल्स ऑप्शन में है दोस्तों, तो ये पेंसिल टूल्स है, ये फिल विथ कलर है दोस्तों, ये टैक्स कलर है, ये सॉरी दोस्तों ये टैक्स है, ये इरेजर है, ये कलर पिकर है, ये मैग्नीफायर है दोस्तों। तो हम लोग धीरे धीरे सबका यूज जानेंगे दोस्तों। जैसे आप यहाँ ब्रशेस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के ब्रश आपको मिल जाएंगे, एयर ब्रश, ऑयल ब्रश, जो भी टाइप का आपको ब्रश चाहिए उस टाइप से ब्रश मिल जाएंगे दोस्तों। फिर आपको ये पे शेप्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के शेप्स, स्टार, लाइंस, कर्व लाइंस, रेक्टेंगल, सर्कल, जो भी टाइप के आपको दिख रहे हैं इस टाइप से सर्कल इस शेप्स का हम लोग यूज कर सकते हो। ये आपका कलर टैब है जहाँ पे आप लोग डिफरेंट टाइप के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका इमेज टैब है जिसमें आप लोग इमेज को रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और कोई पर्टिकुलर सेक्शन को भी क्रॉप कर सकते हैं। ये आपका क्लिपबोर्ड है जहाँ से कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको इनेबल होगा दोस्तों, जहां से आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोई भी सिलेक्टेड एरिया को। और अब आ जाते हैं दोस्तों व्यू में। व्यू में आप लोग जूम इन कर सकते हैं पेज को, जूम आउट कर सकते हैं दोस्तों पेज को। उसके बाद आप ग्रिड लाइंस ला सकते हैं दोस्तों, फिर रूलर्स भी यूज कर सकते हैं दोस्तों इस तरह का रूलर्स आएगा जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं व्यू करके, फिर आप लोग हटा सकते हैं, अच्छा लगेगा पेंटिंग करने में। ये फुल स्क्रीन का दोस्तों, आप पूरा इसको फुल स्क्रीन में चेंज कर सकते हैं या फिर हाफ स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं वो इसका यूज होता है दोस्तों। चलिए अब लोग होम पेज में आ जाते हैं फिर से। चलिए हम लोग जान जाते हैं कि पेंसिल का यूज कैसे करेंगे दोस्तों। हम लोग पेंसिल का यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग पेंसिल पे क्लिक करेंगे दोस्तों। हम लोग को लेफ्ट क्लिक करना है एक बार दोस्तों, तो हम लोग का पेंसिल सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये ब्लू कलर का आउटलाइनिंग में आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा ब्लू कलर का आउटलाइन आ जाएगा चारों साइड दोस्तों रेक्टेंगल का। तो मतलब ये हम लोग का पेंसिल सिलेक्ट हो गया है। अब पेंसिल सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों हम लोग वर्क प्लेस में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोग को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग को लेफ्ट
बटन को, माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और हम लोग को माउस को ड्रैग करना है दोस्तों। तो हम लोग का पेंटिंग पेंसिल ड्रॉ करना चालू कर देते, जैसे हम लोग लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे दोस्तों और कहीं भी ड्रैग करेंगे माउस को तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। अब जान लेते हैं कि पेंसिल का साइज को कैसे बढ़ाएंगे। तो आप लोग यहाँ साइज ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये साइज ऑप्शन जहाँ से हम लोग पेंसिल के साइज को बढ़ा सकते हैं। आप जो भी साइज चाहे वो साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप 4 PX पिक्सल हम लोग सेट कर लिए दोस्तों, ये 4 पिक्सल पे चल रही है। अब चाहते हैं कि नहीं इससे भी बड़ा अगर साइज चाहिए तो हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का यूज करेंगे दोस्तों। तो कंट्रोल और प्लस का जितना बार यूज करेंगे वो उतना बार उसको साइज को इंक्रीज कर देगा दोस्तों। आप जितना बार प्लस का यूज करेंगे वो उतना आपको साइज इंक्रीज करके देगा। तो ये रहा पेंसिल का यूज दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों इरेजर का यूज। इरेजर का भी आप तो जानते हैं इरेजर क्या करता है। इरेजर इरेज करता है, सिंपल फिजिकल जो इरेजर काम करता है सेम इरेजर ये भी काम करता है। तो आप इसे इरेज करते हैं, इसे साइज बढ़ाने के लिए आप साइज का भी यूज कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस का यूज कर सकते हैं, इससे आपका ये साइज इंक्रीज होगा दोस्तों। और साइज घटाने के लिए आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का यूज कर सकते हैं, तो ये साइज डिक्रीज होगा। पूरा डिलीट करने के लिए हम लीजिए पूरा डिलीट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलिए जान लेते हैं फिल विथ कलर। तो फिल विथ कलर जैसे जानने के लिए सबसे पहले हम लोग दो शेप्स बना लेते हैं, ये एक शेप है ये दूसरा शेप है दोस्तों, ठीक है। अब ये दोनों शेप में और ये तीसरा शेप है दोस्तों, ठीक है ना। ये दो शेप्स का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले फिल विथ कलर सेलेक्ट करते हैं और कोई भी यहाँ से कलर ले लेते हैं, सो पिक कर लेते हैं। जैसे ऑरेंज कलर पे हम लोग पिक कर लें। अब जैसे ये सेक्शन में हमको कलर फिल करना है तो हम इसमें क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक, तो ये ऑरेंज कलर इस पर फिल हो जाएगा दोस्तों। सेम उसी टाइप से हम लोग सेकेंड टाइम भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों तो हम लोग इतना जानेंगे। अब ये देखिए ये पूरा सेक्शन हम लोग का आउटलाइन नहीं है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे भी हम लोग कोई भी कलर लेते हैं जैसे ये ग्रीन कलर ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं किसी जगह पे, तो ये पूरा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ये काम है फिल विथ कलर का दोस्तों। अब कलर पिकर का क्या काम है दोस्तों, कलर पिकर का हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी कलर, पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर का हो जाए तो हम लोग कोई भी ये ब्लैक कलर हम लोग सिलेक्ट कर लिए, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं या फिर कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ से जो भी कहीं भी आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वहाँ क्लिक कर दीजिए, अब ये ब्लैक कलर में हो गया। फिल विथ कलर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा सब, तो जैसे फिल विथ कलर पर यहाँ क्लिक करेंगे ये ब्लैक कलर में हो जाएगा, फिर ये भी ब्लैक कलर हो गया, तो ये हम लोग फिल विथ कलर का यूज है। हम लोग इतना टूल्स के बारे में जान गए दोस्तों, 4 टूल्स के। अब आता है टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट टूल का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों कोई चीज कीबोर्ड के थ्रू लिखने के लिए दोस्तों। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे और कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी टाइप करेंगे दोस्तों, जैसे एम एस पेंट टाइप करते हैं एम एस पेंट। अब आप लोग सोच सकते हो कि लाइनिंग कैसे आ रहा है, ये ऊंचा कैसे देखा, तो ये यहाँ पर ऑन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट टैब अलग से बन गया, पहले ये नहीं था। जैसे हम लोग टेक्स्ट से टूल्स को यूज किए तो वैसे एक टेक्स्ट टैब आ गया। तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट का ये बोल्ड किया हुआ है इसको हटा दिए, इटैलिक किया हुआ इसको हटा दिए और अंडरलाइन किया इसको हटा दिया, क्रॉस को भी हटा दिया। तो ये अभी बोल रहे हैं कि हट क्यों नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या गलती किए सर दोस्तों, इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं किए। तो पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम बोल्ड करेंगे, फिर इटैलिक हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर जनरली पहले ऐसे ही रहता है, वो मैंने पहले यूज़ किया हुआ था इसकी वजह से वैसा था। तो हम लोग फिर से बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड अच्छा लगेगा, इटैलिक और अंडरलाइन मार देते हैं, ठीक है। अब इसका साइज बढ़ाने के लिए हम लोग सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज करेंगे दोस्तों, तो ये साइज इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ से भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये जो 48 फॉन्ट साइज दिख रहा है इससे भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं साइज को, बट ये 72 तक ही इंक्रीज करेगा। इससे ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे इस फॉन्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई दूसरा फॉन्ट लेना, जैसे टाइम न्यू रोमन एक फॉन्ट का नाम है, आप उसको भी ले सकते हो दोस्तों। ये हम टाइम न्यू रोमन ले लिए, ये टाइम न्यू रोमन में लिखा हुआ है दोस्तों। ओके सर, कलर चेंज करना है आप कोई भी कलर पिकअप कर दीजिए, वो कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों फॉन्ट का। ओके दोस्तों, तो आप लोग कलर चेंज करने के लिए सीख गए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं फिर से उसी टैब पे, होम टैब में आते हैं। अब जानते हैं मैग्नीफाई टूल्स के क्या होते हैं। मैग्नीफाई टूल्स का होता है जैसे जो भी हम ड्रॉइंग जैसे कोई सेक्शन को देखना चाहते हैं, इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, जो हम लोग क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक तो ये बड़ा हो जाएगा, इसी पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। ये जूम इन करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक, जूम आउट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक का यूज करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम लोग ये टूल्स के बारे में। अब हम लोग शेप्स के बारे में आते हैं दोस्तों। ये शेप्स हम लोग जितना भी दिख रहे हैं कोई भी शेप्स हम लोग यूज कर सकते हैं। सर्कल यूज करना है, सर्कल बनाते हैं हम लोग, सर्कल का यूज करके ऐसे सर्कल बना सकते हैं दोस्तों। जो भी सर्कल आपको चाहते हैं वो सर्कल हम लोग बना सकते हैं।
लाइन का यूज करना है, लाइन का यूज करके हम लोग लाइन बना सकते हैं सीधी। अब देखिए लाइन पे आप लोग जैसे खींच रहे हैं तो तीरछा लाइन हो जा रहा है, हम लोग सीधा लाइन नहीं बन पा रहा है, थोड़ा तीरछा हो रहा है। सीधा लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और लाइन खींचेंगे दोस्तों, तो ये हमारा सीधा लाइन जाएगा। फिर शिफ्ट को छोड़ेंगे, फिर माउस को छोड़ेंगे, सॉरी दोस्तों गलती हो गई। आप शिफ्ट बटन को प्रेस कर करके फिर माउस सीधा लाइन बने, फिर माउस छोड़िए, फिर शिफ्ट छोड़ दीजिए, तो आपका सीधा लाइन होगा दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले शिफ्ट को दबाना है, फिर ड्रॉ करना है, तो सीधा लाइन खींचेगा, फिर शिफ्ट छोड़ना है, नहीं सॉरी दोस्तों माउस छोड़ना है, फिर शिफ्ट छोड़ना है दोस्तों, तो ये आपको सीधा लाइन। ओके दोस्तों, अब आप और भी जितने है आपका रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं दोस्तों, और भी स्टार यूज कर सकते हैं दोस्तों, हार्ट का यूज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा ऐप आपको ये मिल जाएगा दोस्तों शेप्स, तो यहाँ पर आप जितना भी शेप्स चाहें वो सबका शेप्स का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आज जान जाते हैं दोस्तों कि ये होम टैब व्यू टैब तो हम लोग का हो गया दोस्तों, अब आते हैं हम लोग फाइल टैब में, फाइल टैब का क्या क्या यूज होता है दोस्तों, चलिए फाइल टैब को देख लेते हैं। ये रहा फाइल टैब, यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा दोस्तों, ये फाइल टैब है। हम लोग दो टैब के बारे में जान गए दोस्तों, एक एक्स्ट्रा टैब आया तो उसके बारे में जान गए, अब फाइल टैब के बारे में आते हैं दोस्तों। फाइल टैब कीजिए, जिससे आप फाइल क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे दोस्तों, जिस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कौन कौन ऑप्शन के क्या क्या यूज हो सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले न्यू ऑप्शन, इसका इसका यूज करके दोस्तों हम लोग न्यू पेज ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ओपन, ओपन का हम लोग कोई पुराना अगर हम लोग पेंटिंग करके रखे हुए या कोई पिक्चर बचा हुआ है एग्जैक्ट हम लोग का पहले से बना हुआ है, या कोई भी पिक्चर हमको लाना है उस पर कुछ एडिट करना है, तो वहाँ से ओपन बटन पर क्लिक करके हम लोग उस पिक्चर को ला सकते हैं। फिर सेव का बटन का यूज कर सकते हैं, जो भी हम लोग ड्रॉइंग किए उसको अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में सेव करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। सेव एस का हम लोग यूज कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग फॉर्मेट में अपने पिक्चर को सेव कर सकते हैं, जैसे PNG फॉर्मेट सेव कर सकते हैं, JPG फॉर्मेट में, BMP फॉर्मेट में, GIF फॉर्मेट में, और भी कोई अगर फॉर्मेट है तो आप उसे डॉट उसका एक्सटेंशन लिख के आप लोग सेव कर सकते हैं दोस्तों। प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं सर दोस्तों, कि हम लोग कोई भी चीज़ को फिजिकली प्रिंट करने के लिए दोस्तों, प्रिंटर के द्वारा जो भी हम लोग पेंटिंग किए हैं उसको हम लोग फिजिकली पेपर पर प्रिंट ले सकते हैं दोस्तों, प्रिंट का यूज़ करके। अब फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, तो इसका यूज़ करके हम लोग दोस्तों अगर कैमरा में कोई पिक्चर है उसको हम लोग डायरेक्टली MS पेंट में इनपुट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर स्कैनर से डायरेक्ट हम लोग MS पेंट में इनपुट ले सकते हैं दोस्तों। अब सेंड ईमेल, तो सेंड ईमेल का यूज़ करके दोस्तों हम जो भी हम लोग पेंटिंग किए हैं उसको हम लोग किसी को ईमेल कर सकते हैं दोस्तों। अब सेट अस डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसका यूज़ करके दोस्तों हम लोग जो भी पेंट किए हैं उसको एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं दोस्तों। फिर यह प्रॉपर्टीज़ में MS पेंट के प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे और अबाउट में MS पेंट के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ होगी सर, तो ये सब का उतना यूज़ नहीं होता है दोस्तों, हम लोग कुछ ही है 4-5 ऑप्शन का यूज़ होते हैं जनरली, जनरली हम लोग 4 ऑप्शन का ये यूज़ करते हैं दोस्तों। तो यही फाइल में बस इतना ही 4 ऑप्शन है। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग स्पेंट में। तो आज हम लोग ने बहुत कुछ जान लिया दोस्तों, अब और 2-3 बटन है इसके बारे में जानते हैं, ये जो कॉर्नर में दिख रहा है टाइटल बार में, चलिए कुछ सही ये 3-4 बटन है। तो सबसे पहले ये बटन याद है, इसको बोलते हैं अंडो बटन, इसको बोलते हैं रीडो बटन, ये आपका सेव बटन है, और यहाँ पे अगर आप कस्टमाइज कुछ अलग बटन लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं दोस्तों। और ये पेंट का आइकन है, तो चलिए हम लोग अंडो करते हैं तो क्या होता है हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो अंडो बटन जैसे करेंगे, अंडो में तो कोई भी चीज़ अगर हम किए हैं गलती हो गया, जैसे अभी सबसे पहले हम लास्ट में लोग ये हार्ट को बनाए थे या दिल को बनाए थे, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो हार्ट चल जाएगा, उसके बाद जो भी हम बनाए होंगे वो चल जाएगा, ठीक है। फिर से हमको उसको लाना है तो रीडो करेंगे दोस्तों, ये रीडो, ये काम हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, तो कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल जेड करेंगे तो वो अंडो होगा, कंट्रोल वाई करेंगे तो ये रीडो होगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे पेंटिंग करने के लिए दोस्तों, कि कैसे कैसे हम लोग पेंट करते हैं, मतलब कुछ ड्राइंग बनाएंगे दोस्तों, एक मीनिंगफुल ड्राइंग, तो कोई भी फनी वाला ड्राइंग था दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए बस। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, क्लीन करने के लिए हम क्या बताए थे दोस्तों, कंट्रोल ए और डिलीट बटन, तो ये आपका पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे दोस्तों इमेज से टैब के बारे में, कुछ जो जो था इस सबके सेक्शन में कुछ जान जाएंगे, तो पिक्चर जब पिक्चर ड्राइंग करेंगे हम लोग, ड्राइंग कुछ कुछ करेंगे उस टाइम हम लोग इस सब के बारे में अच्छा जान जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो कुछ और ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके, जिनको MS पेंट के बारे में सीखना हो, जानना हो कुछ जानकारी, तो आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों, कुछ कार्टून्स बनाएंगे उस दिन। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।